आज का हमारा टॉपिक है संधि, और संधि पर हम बात करने वाले हैं संधि किसे कहते हैं। दो ध्वनियों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि अर्थात ध्वनि जो होती है सबसे छोटी इकाई है भाषा की, ध्वनि का मेल जो है इसे हम संधि कहते हैं। ध्वनि या वर्ण जिसे कहते हैं, क्योंकि भाषा की ये दोनों सबसे छोटी इकाई होती है। जब ध्वनियों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है, कौन से वर्णों का मेल होगा, जो समीपवर्ती वर्ण होते हैं उन वर्णों का जो मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। लेकिन मेल होने के बाद में जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। अर्थात वर्णों, समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में यहाँ देखते हैं, संधि में अक्सर आपने ही पढ़ा है हिमालय, हिमालय। जो हिमालय शब्द है यह संधि, हमको संधि विच्छेद करके हम बताते हैं इसका। हिमालय ये समीपवर्ती वर्ण जो है इसमें पास पास मिलने के कारण यह हिमालय बना है। यदि हम इसका विग्रह करते हैं जिसे हम कहते हैं संधि विग्रह, संधि विग्रह। अच्छा, ये विग्रह संधि विग्रह क्या है? जो संधि के नियमों के अनुसार वर्णों को पुनः मूल अवस्था में लाना, जो वर्ण होते हैं उनको पुनः मूल अवस्था जो होती है उसमें लाना संधि विच्छेद संधि कहलाता है। जैसे आप देखिए हिम धन आलय, यहाँ पर दो अलग अलग शब्द है, एक हिम और दूसरा आलय। ये दोनों शब्द जब आपस में मिल जाएंगे तो हम इसे संधि बना देंगे हिमालय। अब जो हिम बना है इस हिम में आधा माँ है और अंत में आ लगा हुआ है, हर एक शब्द के अंत में आ होता है। इसी प्रकार यहाँ दूसरा शब्द है आलय, और यहाँ पे देखिए ये दोनों शब्द जो हैं ये शब्द आपस में मिले हैं, समीप में आए हैं, और इनसे उत्पन्न जो विकार हुआ है वो एक मात्रा के रूप में हो गया है, तो यह संधि बन गई हिमालय। तो आपको समझ में आया संधि क्या है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन संधि के प्रकारों की। संधि के जो प्रकार हैं यह प्रकार जो हैं वो तीन प्रकार के हैं। तीन प्रकार जो हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। पहला है यहाँ पर स्वर संधि। स्वर संधि, और आपने वर्णमाला में स्वर पढ़ा है इसलिए उसी से याद रखें स्वर संधि। स्वर के बाद आता है व्यंजन, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन से जो संधि बनेगी उसे व्यंजन संधि। और तीसरा एक शब्द आपने विसर्ग भी पढ़ा है, तो विसर्ग संधि। इस प्रकार संधि के ये तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम यहाँ पे पहला लेते हैं स्वर संधि की बात करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? अब जो स्वर है वह स्वर संधि में स्वरों की बात होगी, और जो स्वर हैं स्वरों के पास पास मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। लेकिन इससे पहले हमें जानना होगा कि स्वर कौन कौन से हैं। तो लीजिए हम बोर्ड पर यहाँ पे लिख देते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों आपने पढ़ा है, और स्वर में आ से लेकर जो 11 होते हैं वो 11 स्वर की हम बात करेंगे। उन 11 स्वरों के आधार पर यह संधि बनाई गई है, इसीलिए इस स्वर इस संधि का नाम स्वर संधि रखा गया है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और ये जो 11 स्वर हैं, ये 11 स्वर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आ से लेकर औ तक। वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो 11 है, यह भी आप जानते हैं। लीजिए अब इनसे स्वर संधि जो हैं इन स्वर के आधार पर कैसे बनाई गई है इसकी बात करेंगे। तो जो स्वर संधि है इसके भी जो प्रकार हैं, ये स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, इतना याद रखना हमको। अब जो 5 प्रकार हैं उन 5 प्रकारों के नाम हमें बिल्कुल याद रखना होगा। जैसा सबसे पहला नाम है यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, पहला है दीर्घ।
और दीर्घ के बाद आता है। इसी क्रम में हमें याद रखना पड़ेगा गुण। गुण के बाद में यहाँ पर वृद्धि, और वृद्धि के बाद में यहाँ पर यण, और यण के बाद में अयादि। इसी क्रम में इन पांचों को हमें याद रखना होगा। यदि हम इसी क्रम में इन्हें याद रखते हैं तो याद रखने के बाद हमें इन्हें इनके नियम जो हैं उन्हें भी समझने में बहुत आसानी होगी, और ट्रिक के माध्यम से इसे हम कैसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं वह भी बताएंगे, और जो नियम हैं उन नियमों के आधार पर भी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जैसा एक नाम लिखा हुआ है दीर्घ स्वर संधि। अब यहाँ पर दीर्घ की बात की जाएगी, और दीर्घ क्या है, गुण क्या है, वृद्धि क्या है, यण और अयादि में किस प्रकार से हम इन्हें पहचानेंगे, तो इसके जो नियम है उन नियमों के आधार पर हम आपको समझा रहे हैं, और बहुत ही सटीक तरीका है ये। तो हमने एक टेबल के आकार में यहाँ पे समझाना प्रारंभ किया है आपको। दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। अब यहाँ पे आप देखिए दीर्घ जो है, इस दीर्घ में आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि दीर्घ यानी बड़ा, और बड़ा जहाँ पे बड़ा की मात्रा का प्रयोग होगा अर्थात अक्षर बड़ा हो जाएगा, हम याद रखने के लिए इस मात्रा का भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब याद रखने के लिए दीर्घ में बड़ा होगा, और बड़ा कैसे होगा, जब कोई भी समान स्वर जैसे आ या बड़ा आ के साथ में कोई आएगा, या फिर ई पहला अक्षर दूसरा तीसरा, ई के साथ में कोई समान स्वर आएगा, ऊ के साथ में कोई समान स्वर आएगा, और यहाँ पे और भी हम बात करते हैं आ ई और ऊ, और इसके बाद में एक समान स्वर जो है वो है एक बसता यहाँ पर ऋषि। ये मूल आधार पर जो स्वर हैं उन्हीं की बात की जा रही है। तो यहाँ पर समान स्वर आएगा तो आ और आ के लिए समान स्वर आ और बड़ा आ होगा, ई के लिए समान स्वर ई और बड़ी ई हो जाएगी, ऊ के लिए समान स्वर ऊ और बड़ा ऊ हो जाएगा, ऋषि के लिए ऋषि हो जाएगा। अब क्या बनेगा इससे एक नया शब्द जिसके कारण बड़ा होगा, यहाँ पे नाम ही है दीर्घ यानी बड़ा, और बड़ा कैसे होगा, दीर्घ संधि में हमको पहचानना है कि जो मध्य का अक्षर है वो बड़ा हो जाएगा। कैसे होगा वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, वो बड़ा आ है, इसमें ई में सबसे बड़ा क्या है, बड़ी ई है, यहाँ पर ऊ में सबसे बड़ा क्या है, बड़ा हुआ है, और ऋषि में जो ऋषि है ये बड़ा ऋषि आ जाएगा। यहाँ पे छोटा ऋषि है, यहाँ पे बड़ा ऋषि है, लेकिन वर्तमान में यह संस्कृत में प्रयोग होता है इसलिए हिंदी में इसका प्रयोग बहुत कम होता है। तो दीर्घ स्वर संधि में आपने समझा है, अब इसका हम उदाहरण यहाँ पे समझते हैं। उदाहरण के तौर पे हिमालय की बात हम कर लेते हैं, हिमालय, और हिमालय जो शब्द है ये दो शब्दों से बना है, पहला है हिम धन आलय, और यह देखिए आप यहाँ पर हिम जो है ये मा आधा है, यहाँ पे आ है, और धन आलय यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पर दो शब्द समीप में आए हैं, और वो दो शब्द कौन कौन से हैं, आ छोटा और बड़ा आ है, और बड़ा छोटा आ और बड़ा आ मिला तो ये बड़ा आ बन जाएगा, यानी बड़ा आ की मात्रा बन जाएगी। यानी यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो मात्रा है वो बड़ी हो जाती है, इतना आपको याद रखना होगा, जो मात्रा है वो बड़ी मात्रा हो जाती है दीर्घ स्वर संधि में। दूसरा है गुण। अब गुण की बात करेंगे, और गुण में आप जानते हैं, आप ये याद रखने के लिए इन नियमों की ट्रिक को याद करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, छोटा आ बड़ा आ पांच बार लिखना है, आप लिख दीजिए, ट्रिक है ये हमारी, और इसे याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, और इससे क्या बनेगा उसकी भी हम यहाँ पे बात करें। पांच बार लिख दिए, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि में समान स्वरों की बात किए थे हमने, यहाँ पर हम गुण में गुण बनेगा, यानी यहाँ पर
असमान स्वर, क्योंकि आ की यहाँ पे बात हो चुकी है, आ ई ऊ ऋषि तक यहाँ पे बात हो चुकी है। यहाँ पर अब आगे आएगा कौन सा शब्द, छोटा ई या बड़ा ई, छोटा ई या बड़ा ई आ जाएगा। यहाँ पर ई के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाएगा और यहाँ पर ऋषि आ जाएगा। छोटा ई या बड़ा ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और ऋषि क्या गुण में आ जाएगा। अब जब यहाँ पे असमान स्वर मिलते हैं तो एक गुण बनेगा, और एक गुण यानी ऐसा याद रखना है हमको, याद रखने के लिए कि यहाँ पे मात्रा जो है वो एक हो जाएगी, बस ऊपर मध्य का जो अक्षर होगा उस पे मात्रा एक लगेगी, और जिन शब्दों में एक मात्रा लगी होगी वहाँ पर गुण स्वर संधि होगी। अब देखिए यहाँ पे एक नया शब्द क्या बनेगा, यहाँ पे नया शब्द जैसे यहाँ पे आप देखिए ये शब्द ई है और ई और आ का यहाँ पे मेल हुआ है, ई या आ का मेल हुआ है, तो नया शब्द दोनों से मिलके क्या बन जाएगा, क्योंकि गुण उत्पन्न हो रहा है तो ए बन जाएगा। और दूसरा देखिए ऊ यदि यहाँ से मिलता है, आ से ऊ यदि मिलता है तो यहाँ पे एक नया शब्द क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, यहाँ पर ओ बन जाएगा। और आ और आ ऋषि बनेगा तो अर बन जाएगा। इस प्रकार गुण जो स्वर संधि है, इस गुण स्वर संधि में हमने बताया याद रखने के लिए कि गुण में एक मात्रा का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। आपने देखा दीर्घ स्वर संधि में मात्रा जो है बड़ी बन जाएगी, चाहे बड़ा आ की बन जाएगी, बड़ी ई की बन जाएगी, बड़ा ऊ की बन जाएगी, लेकिन मात्रा एक बन जाएगी यहाँ पे। जैसे नरेंद्र की बात करते हैं हम गुण संधि में, नरेंद्र नरेंद्र और नर धन इंद्र। अब यहाँ पर देखिए आप नर रा आधा हो जाएगा, यहाँ पे आ बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ई इंद्र इंद्र है और आ और ई का यहाँ पे मेल हो रहा है, आप देख रहे हैं आ और ई का, और आ और ई का मेल बनेगा तो ए बन जाएगा, यानी एक मात्रा बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप एक मात्रा लगी हुई है नरेंद्र में, अर्थात मध्य का जो शब्द है उसमें यदि एक मात्रा लगी हुई है तो वह आप समझिए कि वह गुण स्वर संधि है। अब बात करते हैं हम वृद्धि की, और वृद्धि जो होगी उसमें हमारे पास यहाँ तक का जो भाग है वो पूरा हो चुका है, ऋषि तक का। यहाँ पे आप देखिए ऋषि तक का भाग हमने पूरा कर चुका है, अब आगे हमारे पास ए आई ओ औ का भाग बचा है, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं हम दोनों अक्षर में अगला भाग ए या आई ओ या औ। और वृद्धि हो रही है यहाँ पे, वृद्धि आने कुल याद रखने का जो तरीका है कि इन गुण में वृद्धि होगी, अर्थात वृद्धि एक गुण में एक मात्रा थी तो वृद्धि में दो मात्रा आ जाएगी, ऊपर जो मध्य का शब्द है उस पे दो मात्रा लग जाएगी, अर्थात वृद्धि हो जाएगी। और वृद्धि हो जाएगी तो हम इसमें से देखिए बड़ा शब्द जो है वो बड़ा शब्द क्या है, इसमें वृद्धि वाला ए है, तो यहाँ पे ए देख लेंगे, यहाँ पे बड़ा शब्द क्या है औ है तो औ कर देंगे। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा वृद्धि में मध्य के शब्द में दो मात्रा का यहाँ पे हमने प्रयोग कर दिया। जैसे एक यहाँ पे उदाहरण देखते हैं हम, एक धन एक और हो जाएगा एक एक। बिल्कुल यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर आ धन ए मिलने के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो का है इसमें आ है मिला हुआ, और इसके कारण आ और ए जो है इसका मिलन हुआ तो एक मात्रा यहाँ पे तैयार हो गई। अब देखते हैं यण स्वर ई, यहाँ पे
यहाँ पे देखिए आ तक का हमने कंप्लीट कर चुका है। अब यहाँ प्रत्यक्षर ई या ई आएगा, इसके साथ कुछ जोड़ेगा या ऊ और बड़ा ऊ के साथ कुछ जोड़ना होगा। जोड़ते हैं तो एक नया शब्द जो है वो बन के आ जाएगा और भाग हमारा पहले आ वाला था, आ के बाद ई वाला कंप्लीट कर रहे हैं हम। ई ऊ और ऋषि तक यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा अक्षर जोड़ा जाएगा यण के लिए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है असमान स्वर यहाँ पे लिखा जाएगा, असमान स्वर। असमान स्वर का कहने का मतलब ई और ई को छोड़ के कोई भी 9 अक्षर, क्योंकि ये टोटल जो अक्षर हैं ये 11 हैं, इन 11 में से 2 ये हटा देंगे, बाकी कोई भी आ जाएगा असमान में। वैसे ही यहाँ पे भी यहाँ देखिए आप ऊ और ऊ को छोड़ के कोई भी आ जाएगा असमान हो जाएगा। ऋषि में भी यहाँ पे असमान हो जाएगा ऋषि को छोड़ के, तो बनेगा क्या यण, बहुत महत्वपूर्ण और इसे याद रखना होगा। इसमें ई ई के साथ यदि असमान स्वर बनता है तो यह बनता है, ऊ के साथ कोई असमान स्वर का मेल होता है तो वह बनता है, और यहाँ पर ऋषि के साथ कोई असमान स्वर होता है तो यहाँ पर रा बनता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि यण में या से या व रा इतना याद अक्षर होंगे, लेकिन इसमें याद रखना होगा कि इन अक्षर के पहले आधा आधा अक्षर आएगा आपके सामने है, अति धन अधिक, और यहाँ पे बनेगा अत्या धिक। अब यहाँ पे देखिए यह शब्द है, यहाँ पर यह शब्द लगा हुआ है और यह के पहले में आधा ता है, यहाँ से हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे यण स्वर संधि है। अब अगला पांचवा जो स्वर संधि का उदाहरण है वो है स्वर संधि में, देखिए यहाँ तक हमने ऋषि तक यहाँ आ गए हैं, ऋषि के बाद इन शब्दों को ए आई ओ और औ, ये शब्द हमको एक लाइन से लिख देना है, इन चार अक्षरों को एक लाइन से लिखना है इन चारों को, और वह अयादि संधि में लिखे जाएंगे। इनके साथ जब संयोग होगा किनका होगा, असमान स्वर का। जब असमान स्वर मिलेगा यहाँ पे, तो असमान स्वर मिलने के कारण यहाँ पर जो शब्द बनेगा तो याद रखना पड़ेगा आया, तो आय बनेगा ए के साथ बनेगा, तो यदि ये बड़ा हो गया तो ये आया बन जाएगा, यदि यह शब्द जो है ओ है तो ये आओ बन जाएगा, और ये बड़ा है इसलिए आओ बन जाएगा। बिल्कुल आपको याद हो गया है कि अयादि जो स्वर संधि है निधन अन और बनेगा नयन, तो अक्षर करके यह तीन अक्षर का शब्द बनता है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिया है और इस उदाहरण के माध्यम से हमने इसे समझा है। और ये ना के साथ ए है, धन अन बना है तो नयन बन गया है। इस प्रकार आप देखिए हमारे जे स्वर संधि के पांचों प्रकार हमने समझाया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।